Assalamualaikum and क्या बोलना चाहिए, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही कोई खास होने जा रही है, बिकॉज यूँ कि मेरी वीडियो में अभी तक के पेट्रोनस नहीं आया, तो अब मैं जा रहा हूँ पेट्रोनस और आप बताएं मेरे साथ कौन हो सकता है। तो मेरे साथ वन एंड ओनली रयान। मुझे अपना कार्ड निकालना पड़ेगा वेट। मेरा कार्ड अल्लाह करे काम कर जाए, वरना तो मैं मर जाऊंगा। और यहाँ पे हम लोग को ऐसा ट्रांसपोर्ट कार्ड मिला हुआ है, कितना प्यारा लग रहा हो ना। इससे आप ट्रैवल करते हो तो नॉर्मल कार्ड है, उसमें अगर आपके दो रैंकेट कटेंगे तो इसमें आपके एक रैंकेट कटेंगे। तो अब टच करते हैं और देखते हैं, निकलते हैं। लेकिन उसके कार्ड में पैसे नहीं है, वो पैसे डलवाने गया है। तो हाँ जी, तो फाइनली आप मेरे व्लॉग में एक बार फिर से आ गए। कैसा लग रहा है? अच्छा हो गया, डल गए। तो कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए। अरे पागल, पैसे ख़त्म नहीं हुए थे। तो बस ट्रेन 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 आने वाली है। तो अब हम हैं इधर 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 इधर, हमने पहुंचना है इधर। तो हम इधर पहुंचते और ध्यान दिखाते हैं। तो बाय बाय। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है और बस जाएंगे, उतरेंगे एंड देन आपको दिखाएंगे। बस अभी चलते हैं और दिखाते हैं। दिस इज द रियल व्यू ऑफ केएल, वेरी नाइस। अभी आगे जाएंगे तो और प्यारा व्यू होगा। तो लेट्स गो। मिलते हैं आगे जाके। जो मैं व्यू दिखाने जा रहा हूँ ना, बहुत एंड व्यू है, बहुत एंड। अब यहाँ से ऐसा व्यू है, आगे जाके और ज्यादा प्यारा व्यू होगा। लेट्स गो। और फाइनली हम कहीं पहुंच चुके हैं पेट्रोनस के। तो यहाँ का व्यू बहुत ही कोई ज़बरदस्त है रात के टाइम पे। यह है पेट्रोनस और अब हमने थोड़ी यहाँ पे वीडियो शूट्स करनी है, देन आई विल बी गो इनसाइड द मॉल एंड वहाँ हमने कुछ खाना पीना है। तो रेहान ने ज्वाइन किया हुआ है, रेहान बिजी है तो सर मैं बार बार तंग नहीं कर रहा, लेकिन ये जो चलने वाली वीडियो से जितनी भी हो रेहान ही बना रहा है। तो कैसा लग रहा है आज? बहुत दिनों के बाद आप वीडियो में आए, ठीक है। तो क्या खाना है? जैसा खाना क्या है? वही स्टफ्डी चलता है। अगर स्टफ्डी नहीं मिला तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या खा लिया है बताओ। पोटैटोस खाए, पिज्जा खाया। कौन सा पिज्जा? नॉर्मल पिज्जा नहीं था, पेपरोनी पिज्जा। एंड और मंदी खाई है और स्पैगेटी, बहुत कुछ खा लिया। स्पैगेटी स्पैगेटी याद नहीं है वो, पास्ता। और लास्ट टाइम हमने शोरमा भी खाया था, शोरमा प्लेटर भी खाया था। और शोरमा प्लेटर के साथ और क्या था? और भी कुछ था, बस जो भी था खा लिया। जैसे रात गई बात गई तो भूल चुके हैं। तो हम अब आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अब अंदर जाके दिखाते हैं। तो लाइट्स गो। Thank you.
हाँ जी, तो फाइनली हम इसके नीचे पहुंच चुके हैं और वहां से भी एंट्रेंस है और वहां से भी एंट्रेंस है, तो हम यहां से जा रहे हैं। और अब कोई बहुत ही गंदी वाली भूख लगने लगी है, तो हो सकता है कि जो हमने खाना है उसे बोलते हैं स्टफडी। स्टफडी एक बोरिटो होता है, और वो अगर हुआ तो दिखा दूंगा, नहीं हुआ तो उसके बारे में बता दूंगा। और लास्ट टाइम ने स्पैगेटी खाया था, इटालियन पिज़्ज़ा खाया था, और फिर उसके लास्ट टाइम हमने जो है शोरमा पेटर खाया था और ये सारी चीज़ें खाई थी। तो अब कुछ हो सकता है नया एक्सप्लोर हो या कोई नई चीज़ हम एक्सप्लोर करें, तो बस चलते हैं। तो सीन ये होता है कि हम लोग दो तरीके की चीज़ें मंगवाते हैं, एक रेयान के कमिटमेंट से आता है, एक मेरे, क्योंकि हम दो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही शॉप से हमने सारी चीज़ें ले ली और एक ऐसे खाली, नहीं, वो एक प्रेफर करता है मैं, और फिर दोनों मतलब दो जगह की चीज़ें आती हैं। तो चलते हैं बस। रेयान देखो जिम जाने लग गया, इस वजह से फास्ट फास्ट चल रहा है। सूर्या कैलसी, यहाँ आपको दुनिया की सब बड़ी ब्रांड्स मिलेंगी, सब बड़ी ब्रांड्स। नीचे ऊपर है स्टफडी, ऊपर है मुझे याद है, ऊपर है। ये अपन पीछे से चलते हैं, पीछे वाला रास्ता मुझे याद है। अल्लाह करेगा तो होगा, मुझे आज लग रहा है कि होगा। तो हम लोग दुआ यही कर रहे हैं कि स्टफडी हो, क्योंकि स्टफडी एक मतलब बहुत ही हेल्दी फूड है, क्योंकि उसके अंदर जो है, उस क्या बोलते हैं रोटी को, रोटी को क्या बोलते हैं, नो वो जो रोटी देता है जिसमें डाल के देता है उसे कुछ और बोलते हैं यार, वो रोटी टाइप होती है ना, उसको मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं। तो उसके अंदर मैश पोटैटो डालता है, कॉर्न्स डालता है और बहुत सारी चीज़ें डालता है, और बहुत हेल्दी होता है वो, तो हम लोग बहुत लाइक करते हैं वो। तो हमें जाना है उस फ्लोर पे, तो हम जाएंगे बैक साइड से, क्योंकि बैक साइड का रास्ता हमें पता है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और बहुत एक्सपेंसिव है, जो मेरे महीने का खर्चा है ना उसका सिर्फ ये एक बैग होगा, तो इस वजह से मैं नहीं जाता। और ये देखो ना, ये परफ्यूम का शौकीन है, इसको जहाँ भी परफ्यूम की दुकान नज़र आएगी ना, ये इसको ज़रूर देखेगा, और इसको वहाँ जाना है और लेना है। तो ये रास्ता ये इससे ऊपर जाएंगे आ जाएगा। ये नीचे जो सीके है उसका कोई वो चल रहा है, शो चल रहा है। यहाँ से वापसी में नीचे भी आएंगे, थोड़ा देखेंगे, यहाँ नीचे जो है वो हो रहा होता है, वाटर शो बाद में देखेंगे। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो भूख पहले है, वाटर शो बाद में। तो फाइनली मेरे लिहाज से आ ही गया है, यह है इससे भी ऊपर है, इधर है। तो फाइनली क्रिसमस भी आ चुका है, तो यहाँ क्रिसमस की भी सजावट हो चुकी है, तो क्रिसमस का एक हमारा अलग व्लॉग बनेगा, लेकिन ये चीज़ें दिखाते हैं गिफ्ट। क्रिसमस। बारह सारे मुझे बोलते हैं तुम्हारा व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन यार चीज़ें दिखाने को भी तो इतनी सारी हैं। ऊपर जाना है, इससे चढ़ेंगे ना ऊपर, सामने ही है। हाँ, टू सन्स, ये भी बहुत फेमस है, लेकिन ये बंद है मेरे लिहाज से, चलता नहीं है ये, मुझे लगता है जब भी आया इसको चलते हुए नहीं देखा। ये आ गया, यहीं से नज़र आ गया है बोट। इसको देख के तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अल्लाह करे हो और है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, फाइनली है। तो बस फाइनली हम अभी ऑर्डर करने लगे हैं, तो करते हैं उसके बाद दिखाते हैं। वैल्यू मिल्स नहीं, अच्छा नहीं है।
टाको है, टाको कौन खाएगा? ये है ना ये वाला बुरीटो, बुरीटो हाँ ये हम लोग ये वाला लेते हैं। हाँ ये वाला मिक्स है ना, ये रहा ना मिक्स है, लेकिन मेरा वाला सिर्फ चिकन है। क्यों बीफ नहीं? चलो ये करो पहले, मेरा तो डिसाइड करो कौन सा सॉस, कौन ये खाना है, ये खाना है। ये नहीं टमाटो, नहीं टमाटो नहीं, ओए नहीं कैंसिल करो। ये किया एक दो, हाँ और इसमें हमने सॉस जो डालना है, स्पाइस डालना है, मायो डालना है, ये डालना है, एक ही डलेगा दो बस बस। और इसमें मैश पोटैटो डलवाना है, कॉर्न डलवाना है, और ये भी डलवाना है। ये क्या है? हाँ ये बंद गोभी टाइप कुछ है, राइस डलवाना है, ये भी डलवाना है। कोई ड्रिंक पीनी है तो वो भी इसमें डाल दो। मैंने ड्रिंक नहीं पीनी है, नहीं पीनी, ये सारा वो है फजूल है। ठीक है ओके। एक सेकंड क्या लीजिए? और रोटी क्या ले लेना है तो नेक्स्ट? यस एड ऑर्डर। और आप करो रोटी नहीं, वाइट टच ये डलवाओ। नहीं साकिन, नहीं साकिन, नहीं साकिन, नहीं वो अच्छा है, अच्छा है वो, नमक नहीं खाना मैं। आओ फिर ये स्पाइसेस नहीं डलवाओ, ये डलवाओ, मायो डलवा लो, हनी मायो डलवा लो, हनी सही है, केचप भी डलवा लो। चलो क्या हो गया, यहाँ से कॉर्न डलवा लो, मैश पोटैटो डलवा लो, ये डलवा लो, ये डलवा लो, ये भी डलवा लो, डाल लो। ये वाला अच्छा होगा, कैबेज है लेकिन ये नहीं पिया जाएगा। लीची, लीची डलवा लो। तो फाइनली इस तरीके से बनता है और इतने मज़े का होता है इसके अंदर जो उसकी फीलिंग्स होती है, वाह अमेजिंग। मतलब मैं इसके खाने के लिए ना पूरा हफ्ता हफ्ता तरसता हूँ। क्या इसमें मिलाते क्या हो वैसे, जो बंदे को नशा लग जाता है? पूरा पूरा हफ्ता वेट करता हूँ मैं, मेरी जिस दिन छुट्टी होगी मैं जाके खाऊंगा। भाई आप कहाँ से हो? बांग्लादेश। बांग्लादेश तो ये स्टफ ही है, बस ऑर्डर करते हैं, लेते हैं। तो फाइनली ये यहाँ से निकलता है स्लिप ऐसे, बस आपका ऑर्डर हो गया, देन आपने वेट करना है। यह मैंने ना ऑर्डर एक किया है, उस पर स्पाइसी ना नॉर्मल रखना, ठीक है? ऐसा होना चाहिए कि पता लगे स्पाइसी खा रहा हूँ। तो यह है और हमने बैठना है इस तरह, बैठना यहाँ नहीं बैठना, यहाँ बैठना है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो यह हमारी सीट है और हम यही बैठते हैं, तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो जाते हैं। तो फाइनली बस हमारा भी बॉडी टू रेडी होने ही लगा है, तो ये दो डल रहे हैं और इसके लिए पूरा हफ्ता वेट करता हूँ। और जैसे सब्वे है ना, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि चिकन टोटली खा खा के मैं पागल हो चुका हूँ, बीफ खा खा के पागल हो चुका हूँ, और मछली मैं खाता नहीं हूँ। तो ये है बोरिटो, इसके अंदर ही सारे वेजिटेबल्स चलते हैं, इतने मज़े के लगते हैं। और लिटिल बिट इसमें ये है मैश पोटैटो, मैश पोटैटो डलता है, ये राइस है वो डलते हैं, वो कॉर्न से ये सारी चीज़ें डलते हैं, और ये जिसे मैं रोटी बोल रहा था ये रोटी ही होती है। तो अब थोड़ा सा शुरू कर देखें, और जब एंड में पूरा रेडी हो जाएगा तो वो दिखाऊंगा। आई विल बी वेटिंग फॉर द वन वीक। या संतोल बातू के नियर बातू के लास्ट टाइम कमिंग दिस वन फिनिश टुडे आई विल बी प्रे 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 कि आज मिल जाए मुझे, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो वो देखें, वो राइस डला है, मैश पोटैटो डला है, और उनके मुझे मैश पोटैटो बहुत पसंद है, और ये वो है क्या बोलते हैं पारमेजान चीज़ है, ये चिकन है, ये बीफ है, इसको स्पाइसी का बोल दो ना। तो
ये रेडी हो रहा है, मैं अपने लिए पानी लूंगा। हाँ नहीं ज्यादा ही रखना, मतलब नॉर्मल वाला ज्यादा। तो सब एंड करते हैं जैसे आता है। तो फाइनली ये है, यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, मैं आप लोग को और भी आउटलेट्स दिखाता हूँ, ठीक है। ये बैठने की यहाँ जगह बनी हुई है, और ये है, ये चाइनीज़ फूड टाइप कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ चाइनीज़ आइटम मिल रहा होता है। ये मेरे लिहाज से शेल्स हैं, और ये लिखा हुआ है कि कहाँ से आया, ये इस लाइन का है, ये भी कि कहाँ से आए हैं, और यहाँ पे भी इस सब टाइप के आइटम्स मिलते हैं इन्होंने। थैंक यू। तो ये इन्होंने इस टाइप के प्लेटर्स रखे हैं, आपको जो भी खाना हो आप ऑर्डर कर सकते हो, बिल्कुल आपको इसी टाइप का मिलेगा, लेकिन ये नकली असली नहीं है, लग रहा है ऐसा है कि असली है। थैंक यू। तो ये सारा सीन है। तो यहाँ पे भी कुछ है आइटम, और ये भी बहुत फेमस है, ये भी कोई नासी का नासी यहाँ, ये मलेशियन फूड है, जो ये हैं छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं फ्राई की भी हैं उस टाइप की। तो सारा आइटम है। तो ये सारी चीज़ें, और सामने बारबेक्यू नाइट है, और ये भी है, ये रखी हुई आप मछलियाँ नज़र आएंगी। ये झींगा है, ये मीठा कद्दू है समथिंग, और ये चिकन है, और ये सारे रखे हैं। तो सामने भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इधर खाने पीने को, आपके पास सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो लास्ट टाइम मैंने खाया था। तो जो मैंने लास्ट टाइम खाया था वो मैंने खाया था उस सामने, तो लास्ट टाइम जो मैंने खाया था वो सामने है, तारबश। तो ये खाया था मैंने, और जिसमें हमने इनका प्लेटर लिया था, और ये इनकी सारी चीज़ें ना। तो यहाँ पे इनके शोरमे भी हैं, और यहाँ पे इनका ये पिज़्ज़ा भी है, वो शोरमा बन रहा है, सारी चीज़ें। तो ये लास्ट टाइम खाया था, और इनको बहुत मज़े का होता है। इनका रोस्ट चिकन है, ये मंदी राइस है, ये कबाब कब्ज़ा राइस है, जो बहुत मिस करता हूँ। तो चलते हैं आप, और आ जाएगा कुछ टाइम में, तो बस वो खाते हैं, और देन वी आर टू मूव आउट। एंड बाहर जाके हमने एक बहुत अच्छे से व्यू में एक बहुत फेमस यहाँ की आइसक्रीम है, मिक्सू खाएंगे, जिसकी मलेशिया के अंदर, मलेशिया नहीं वर्ल्ड वाइड उसकी 35 ब्रांचेस हैं। एंड जो जो मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, प्यार करता है, उसको आई लव यू मेरी तरफ से। बहुत रश है क्योंकि आज फ्राइडे है, और फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे बेइंतहा ज़्यादा रश होता है। तो सारा सीन, तो हमारा बोरिटो रेडी हो गया होगा, चलते हैं। आज मैंने बहुत दुआएं मांगी थी, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था खाने के लिए, तो मैंने बोला चलो ठीक है। स्टिल वेटिंग, और बस ये लेते हैं और खाते हैं। ये होता है बोरिटो, जो लिखा है ना, ये सारी बोरिटो की डिटेल्स हैं, देख लो। ये सारी चीज़ें इसमें डलती हैं, और ये है बोरिटो। बोरिटो डिफरेंट है, कबाब डिफरेंट है, डेली बॉल डिफरेंट है, और टाको डिफरेंट है। तो हम खाते हैं बोरिटो, लेट्स गो। यहाँ रश देख सकते हैं कितना हो रहा है। तो ये हमारा रेडी हुआ है, तो लेट्स गो। कौन सा है आपका वाला? चिकन लिखा हुआ होगा इसमें? नहीं लिखा हुआ, 1 or 2 लिखा हुआ है ना, वेट हाँ। चलो मैं देखता हूँ उसके पास से, मुझे पीच की बॉटल भी लेनी है। हाँ ये 1 and 2 लिखा, 1 वाला आपका है, 2 वाला मेरा है।
उस गेट से? नहीं, वो लिखा पीच जूस भी है, जूस भी किया मैंने उसको। जूस? हाँ, पीच का कोई जूस है ना? कौन सा जूस है ये? पीच वाला है। नहीं नहीं, ये जो ऊपर का किया है पीछे वाला। हाँ, ये कर दिया ऑलरेडी, ऑलरेडी कर दिया उसको। उसमें किया था ना ऑलरेडी, ये है इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल लीची, लीची है ये, क्या है देखो। हाँ ये रहा। हाँ जो भी है लीची है, मतलब मुझे याद नहीं पीछे लीची। नहीं ये नहीं दे सकते। हाँ ये महंगा है। ओ सही, ओके। अच्छा कौन सा वाला है? ये अच्छा है। तो ये इनका अपना है लीची का, तो ये वाला लिया है। यही तो ओरिजिनल वाला है। तो दो तीन शॉट्स लें उसके बाद करते हैं। तो फाइनली हमारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये है गोल्डन पीच करके है, ये इसके अंदर ये डला हुआ है पीच। तो ये पीच है, और ये वन वाला चिकन रेहान का है, सेकंड वाला मेरा। तो फाइनली बहुत वीक के बाद जाके फाइनली आई गया अपना। तो पहला कट पहली मॉम पर मज़ेदार। तो फाइनली हमारा बोरिटो आ चुका है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत मज़ेगा, मीठा मीठा। आज आते हुए आपने तीन दफ़ा बोल दिया नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा दिल कर रहा था मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम धोखा खा के गए। तो नो प्रॉब्लम, लव यू। सिर्फ हम ही दीवाने नहीं हैं, बल्कि अंग्रेज़ भी दीवाने हैं इस चीज़ के। और ये हैं शेफ समीर। तो आज थोड़ा बहुत काम भी किया और थोड़ा बहुत खाया पिया भी, और सामने देखे ना पीछे बैठे हैं, ये भी इंजॉय करके खा रहे हैं, हम भी इंजॉय करके खा रहे हैं, बहुत अच्छा भी हो रहा है। तो बस खाते हैं, और खाने के बाद तो खाते भी दिखाते हैं ना, बस पेट नहीं दुखना चाहिए। तो बोलते हैं मैं जो हूँ ना बहुत फास्ट फूड खाता हूँ, लेकिन हेल्दी फूड भी खाता हूँ, ठीक है? मुझे बहुत पसंद है। इसके फीलिंग्स चेक करें, वाओ अमेजिंग। और मैं एक और एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यार, मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, सब्सक्राइब करें। और अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 654 हो गए। और ये जो शख्स देख रहे हैं ना, ये जो शख्स देख रहे हैं, ये रहा, बिजी हुआ हुआ है फुल। तो ये हमारा YouTube चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो छोड़ी है, वो छोड़ी है लिटिल इंडिया पे, उस पर भी अच्छे व्यूज़ आ चुके हैं और अच्छा चल रहा है चैनल। तो आज ये वाला व्लॉग भी बहुत जल्दी अपलोड होने वाला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब खाता हूँ बस, बहुत हो गया। तो अब जब हम बाहर निकलने लगेंगे तो तब दिखाते हैं। तो लेट्स गो। कैसा लग रहा है? फील करके खा रहे हो ना? एक तो उधर खाना हम ऐसे ही खा ले जाए, एक होता है फील करके खाना है। देखो ये होता है, ये होता है। वैसे रेहान बहुत दिनों से बीमार चल रहा था बेचारा, तो आज मैंने उसको बोला कहीं चलते हैं, तो बोला नहीं नहीं भाई, मैंने बाहर का नहीं खाना। जब मैंने बोरिटो का बोला तो बोलता ठीक है, क्योंकि बोरिटो इज़ हेल्दी ना, क्योंकि उसको नमकीन खाना थोड़ा डॉक्टर ने मना किया। नो प्रॉब्लम। तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा तो मज़े की बात, ये मुझे बोलता है पी लो। मैंने पूछा क्या है, तो बोलता है कुछ भी नहीं है, गुड़ पियो मज़े का। मुझे खुद को नहीं पता क्या है ये। हाँ क्या है, क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता। मैंने उसको बोला पी दे, तो दे दो, उसने दे दिया। लेकिन ये ओरिजिनल है, जो भी इनका अपना ही है स्टफ वाला, ऐसे नहीं पीते, बुरी बात, ऐसे पीते।
अच्छा है लेकिन मीठा मीठा है। ये मेरे बोरिटो का टेस्ट तोड़ देगा, मुझे मीठा नहीं पसंद है। अब बैठ जाके मिक्सो खाना है। मिक्सो अब बस खाते हैं और बाहर जाते हैं तो दिखाते हैं। तो लेट्स गो। फाइनली मॉल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अगर आपको कहीं जाना पड़ता है ना, अब तो हमें जगह याद हो गई है, तो अगर आपको कहीं जाना होता है तो ये इसके ब्लॉक्स बने हैं। लेवल मतलब लेवल जी है, लेवल सी है, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा होता है कि इस तरफ से इस तरफ है। ये देखो इतना बड़ा मॉल है। ये आप स्कैन भी करके अपने मोबाइल पर भी देख सकते हो। अब जैसे मिसाल है कि आप होम में गए, अब यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज मिल गई। डाइनिंग करनी है, कुछ लेना पड़ना है। अब जैसे मुझे डाइनिंग करना है, ठीक है, और डाइनिंग में मुझे अब जैसे फूड कोर्ट है, ठीक है, ये फूड कोर्ट कहलाता है। तो मुझे फूड कोर्ट में जाऊँगा। इधर मैं स्टफ अप गिरा, ठीक है। अब आर यू क्या, आप बिल्कुल अभी इधर ही हो, ठीक है, ये रहा, आप दुकान के बिल्कुल पास, ये रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये ईजीएस होता है ना आपको अगर सर्च करना है कुछ। ये तो लेट्स गो, अब चलते हैं नीचे और यहाँ पे नीचे जो है वाटर शोर होता है वो दिखाते हैं। और लेट्स गो। फाइनली हम हो चुके हैं फ्री और अब हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे से भी हम जाएंगे अब नीचे। वहाँ पे है वाटर शो, वाटर शो देखेंगे, देन विल बी गो बैक होम। तो यहाँ से भी निकल सकते हैं। यहाँ एक शूज़ के प्राइस अगर आप देखने जाओ ना, आपकी हालत बुरी हो जानी है। इंशाल्लाह एक दिन इतने अमीर होंगे कि ज़रूर लेंगे। देखें सर, नाइकी इसके ओरिजिनल रखे हैं। ये रोबोट्स रखे हैं, रोबोट्स। क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस का व्लॉग एक अलग से आएगा। अब हम जाएंगे उस तरफ जहाँ वाटर शो चलता है। अब पता नहीं चल रहा है या बंद हो गया है, ये नज़र आ रहा है। ये भी फुल स्टाइल के साथ खाना खा रहे हैं। वाटर शो, वाटर शो, वाटर शो। हम उस वाले गेट से जाएंगे जहां से गेट खुलता है। तो ये वाटर शो चल रहा है और ये अब जो है क्रिसमस की ट्री रेडी हो रही है। ये नेक्स्ट मंथ तक के रेडी हो जानी है इसमें। ये लिखा है ना वर्क इन प्रोसेसिंग, तो बस इधर भी आएंगे हम बहुत जल्द। इतना सारे टूरिस्ट आते हैं। और वो सामने अगर आपको नजर आ रहा हो तो लिखा हुआ है के एल सी सी। और ये फाइनली दिन का एक अपना व्यू है, रात का एक अपना व्यू है और चल रहा है ये। बस अब यही दिखाना, तो लेट्स गो।
तो फाइनली हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ की रौनक चेक करें और ये बात फिर से पेट्रोनस। तो अब हो सकता है कि हम बस में बैठें, फिर हम आगे स्टेशन में उतरें, फिर वहाँ से ट्रेन लेंगे फिर घर। तो ये सारा सीन है। तो मुझे तो आज बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, एंड मज़ा आ गया। ये इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, आउटलेट है बनी हुई, लेकिन यहाँ पे आउटलेट टाइम नहीं है, यहाँ पे है एज अ केबिन टाइप। और यहाँ भी देखो कितना रश होता है, मतलब लोग ही लोग हैं। तो ये KLCC है, अब बस हमारा आएगा। क्या नंबर क्या है? 156। बहुत टाइम है, इधर रेडी करते हैं, इधर तो आता है तो दिखाता है। ये दो हैं, थैंक यू। तो ये है रियल व्यू, तो ये है मिक्सू, और हम दोनों ने सेम नहीं लिया है, डिफरेंट लिया है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का टेस्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ। तो फाइनली आ गया। तो ये आइसक्रीम खाते हो कैसे फील करते हो? सामने पेट्रोनास और ये आइसक्रीम, अमेजिंग ना? ये आपने खाना सिखाया है, या तो हम नॉर्मली आउटलेट में बैठते थे खा लेते थे, यहाँ खड़े होके कौन खाएगा, बोरियत लगती थी। अब जब हाथ में लेते हैं, सामने पेट्रोनस को देखते हैं और खाते हैं, तो बोलते हैं वाओ अमेजिंग। तो बस अभी खाने लगे हैं और पकड़ना, आखिरी कुछ बातें कर लूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार से इंशाल्लाह मैं आगे जा सकता हूँ। और थैंक यू सो मच, लव यू, अल्लाह हाफ़िज़।